जीने वाले एक एक मुसलमान का कत्ल करना चाहेंगे, तब भी कभी सारे कुफार मिलकर भी सारे मुसलमानों को कभी मिटाने वाले नहीं। तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे, हमको मिटाते मिटाते फेरौन मिट गया, हमको मिटाते मिटाते कारून मिट गया, अरे हमको मिटाते मिटाते मौजूदा फेरौन भी मिट जाएंगे, लेकिन कभी मुसलमान जमीन से मिटने वाला नहीं। और खुशखबरी है मुसलमानों के लिए, अगर आज दुश्मन समझता है कि मुसलमान मासूम बच्चों की लाशों के ढेर लगा के मुसलमानों को डराया जाएगा, इस कौम को खत्म कर दिया जाएगा, पैगाम ले लो वो लोग जो मुसलमानों को खत्म करने की जो सो प्लानिंग और ख्वाबों में है, और वो मुसलमान जो इन हालात को देखकर, इन वीडियोस को देखकर, इन पिक्चर्स को देखकर मायूस हो रहे, गमजदा हो रहे, ईमान कम हो रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी दुआ को सुन लेना, मेरी उम्मत को कभी कहर से खत्म नहीं करना, कि सारी की सारी उम्मत कभी भूख और प्यास से मरने वाली नहीं है, हमेशा इस उम्मत के अंदर अनाज रवा दवा रहेगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा हमने आपकी दुआ सुन ली। अल्लाह के नबी सल्लम ने कहा ऐ मेरे परवरदिगार मेरी कौम पर ऐसे जालिम बादशाह को तू मुकर्रर मत कर दे जो उन्हें सरे से मुकम्मल तौर पर कत्ल कर दे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं किसी चीज का इरादा कर लेता हूं तो मैं अपनी बात से पलटता नहीं। आपकी दोनों दुआएं कबूल हो गई। पैगाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी का, पैगाम दुश्मन के लिए पहली तदबीर, अपने हौसलों को बुलंद करो। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अल्लाह के नबी सल्लम हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है अगर दुश्मन एक क्या दुनिया के सारे दुश्मन मिलकर भी अगर जमीन पर जीने वाले एक एक मुसलमान का कत्ल करना चाहेंगे, तब भी कभी सारे कुफार मिलकर भी सारे मुसलमानों को कभी मिटाने वाले नहीं। कभी मिटने वाला नहीं मुसलमान। तुम मिटाते मिटाते मिट जाओगे, हमको मिटाते मिटाते फेरौन मिट गया, हमको मिटाते मिटाते कारून मिट गया, अरे हमको मिटाते मिटाते मौजूदा फेरौन भी मिट जाएंगे, लेकिन कभी मुसलमान जमीन से मिटने वाला नहीं। फिर कैसा मरेंगे भाई तुम? हमारे खात्मे के लिए अल्लाह ने एक हथियार तैयार कर रखा है। कोई बम बारूद से मरने वाली कौम नहीं है ये, कोई तलवार बंदूक से मरने वाली कौम नहीं है ये। अरे कौम में इतनी मोहब्बत है, इतनी अमन है, इतनी शांति है, अल्लाह ने इस कौम के लिए आज जहां बच्चा बच्चा जानता है कि सीरिया मुल्क का नाम, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी सल्लम ने कहा कयामत से पहले मुल्क के शाम सीरिया की तरफ से ऐसी ठंडी हवाएं चलेंगी, वो हवाएं जमीन पर जीने वाले जब मुसलमान के बदन को छुएगी हर मुसलमान जमीन का उस हवा से मरने वाला है। हमारा खातिमा उस हवा से है, कोई बम बारूद से नहीं। तब जब सारे मुसलमान खत्म हो जाएंगे तब सिर्फ कुफार बचने वाले हैं दुनिया पे। कयामत का दिन मुसलमान पे नहीं, कयामत के दिन कुफार पे टूटने वाला है। اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.